नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 जून से आपके और हमारे जीवन पर होने वाले बदलाव के बारे में। बदलाव संसार का नियम है। हमारे आपके जीवन में हर पल हर क्षण कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। इन बदलावों का हमारे जीवन पर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ता है। ऐसे में जून महीने में हमारे जीवन से जुड़े कई बिंदुओं पर बदलाव होने वाला है। इस बदलावों का हमारे जीवन पर, हमारे पैकेट पर, हमारी जेब पर असर होने वाला है। बता दें कि जून महीने में बैंकिंग सेक्टर में बदलाव होने वाला है। इस दौरान स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसका असर ग्राहकों पर पड़ने वाला है। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करते हैं और इन बैंकों की श्रेणी में आते हैं तो जून महीने में आपकी जेब पर इसका असर दिखने वाला है। कहा जा रहा है कि रेपो रेट और लेंडिंग रेट बढ़ने के बाद होम लोन की ईएमआई में बड़ी तब्दीली होने वाली है। ऐसे में अगर आप जून के महीने में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करने वाले हैं तो आपको इस महीने में होने वाले बदलावों पर एक नज़र जरूर डाल लेना चाहिए। आपको बता दें कि आरबीआई ने अभी हाल ही में रेपो रेट को बढ़ाया है। रेपो रेट बढ़ जाने के बाद से बैंकिंग में लेंडिंग रेट बढ़ाए गए हैं, जिसके कारण होम लोन की ईएमआई भी बढ़ गई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर आपने एसबीआई से लोन लिया है तो जून महीने पर आपको नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने में ब्याज की दरों में बढ़ोतरी होने वाला है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एसबीआई के ब्याज में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जिसे हम EBLR 40 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर जो है इसका 7.05% कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने बताया कि लेंडिंग रेट से जुड़ी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का नियम 1 जून 2022 से लागू होने जा रहा है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि EBSL 6.65% था, लेकिन 40 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ साथ यह 7.05% पहुंच गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि SBI अगले महीने से इसी रेट से ग्राहकों से होम लोन की वसूली करेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके नियमों में क्या बदलाव हुआ है आइए जानते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शुल्क के नियम में अब जो है बड़ा बदलाव होने वाला है। इन बदलावों में के तहत जो है POS मशीन और माइक्रो ATM जैसे सपोर्ट इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि AEPS पोस्ट ऑफिस ट्रांजैक्शन पर फ्री लिमिट से ज़्यादा सर्विस चार्ज वसूला जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस नियम में का जो बड़ा बदलाव है वो 15 जून के बाद से होने वाला है। आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट जो है सब्सिडी है, जिसे कि डाक विभाग चलाता है। अब तक AEPS के तहत 3 ट्रांजैक्शन में आपको जो है फ्री सुविधा बहाल थी, लेकिन उसके बाद से अब जो है इसके ट्रांजैक्शन करने पर आपको जो है अलग से शुल्क देना होगा। साथ ही साथ लिमिट से अधिक पैसा निकालने पर भी आपको जो है जमा करने पर 20 रुपये प्लस GST और मिनी स्टेटमेंट के लिए 5 रुपये प्लस GST देना होगा। एक्सिस बैंक के नियमों में बदलाव। एक्सिस बैंक के तहत अर्ध सरकारी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आसान बचत और वेतन के लिए मासिक शेष राशि 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक से 1,00,000 की सावधि जमा की गई है। वही लिबर्टी सर्विस अकाउंट में जमा राशि का 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। यह टैरिफ 1 जून 2022 से प्रभावी होने की बात कही जा रही है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। मीडियम चल रही खबरों की माने तो यह कहा जा रहा है कि प्राइवेट कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले से महंगा होने वाला है। अगर हम पुराने आंकड़ों को देखें तो 2019-2020 में यह इंश्योरेंस 2,072 रुपया था, लेकिन इसे जो है बढ़ाकर 2,094 रुपया फिक्स कर दिया गया है। ऐसे में सड़क मंत्रालय ने इसकी गजट भी जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि 1,000 से कम CC के कारों के लिए लागू होगा यह जो नियम है, तो वहीं 1,000 से 1,500 CC के कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है 3,221 रुपये से लेकर 3,416 रुपये कर दिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जिन गाड़ियों की क्षमता 1,500 CC से ऊपर है उनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है 7,890 रुपये से बढ़कर 7,897 रुपये तक हो सकता है। वहीं 150 से 350 CC के दोपहिया गाड़ी वाहनों का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 1,366 रुपया है, जबकि 350 CC से अधिक क्षमता वाले दोपहिया गाड़ी वाहनों का जो प्रीमियम है वो 2,804 रुपया रखा गया है। तो ऐसे में कहने की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वाहनों का उसमें बढ़ोतरी की गई है। गोल्ड होल मार्किंग के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो गोल्ड होल मार्किंग की दुनिया में अब एक दूसरा दौर शुरू होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 1 जून के बाद से देश के 256 जिलों और उससे जुड़े नए 32 जिलों में
1 जून से सोने और आभूषण के आर्किटेक्ट होलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इन जिलों में एसिंग और होलमार्किंग सेंटर पहले से मौजूद है, इसलिए होलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि 288 जिलों में केवल 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के सोने के आभूषण बेचे जा सकेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि सभी सोना अनिवार्य रूप से हॉलमार्क में होने चाहिए। ऐसे में यह कहा गया है कि शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी हॉलमार्क की सोने की बिक्री की शुरुआत हो जाएगी। एप्पल के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। 1 जून से मोबाइल ऐप के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। ऐसे में एप्पल के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। RBI की तरफ से जारी आगामी नियमों के अनुसार यूजर अब ऐप स्टोर पर कोई भी खरीदी नहीं कर सकेंगे। RBI की तरफ से जारी आगामी नियमों के अनुसार यूजर अब ऐप स्टोर पर कोई भी खरीदी के लिए आप जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ iCloud Plus और Apple Music जैसे Apple सब्सक्रिप्शन कार्ड में पेमेंट नहीं किया जा सकेगा। कंपनी यूजर्स के कार्ड की जानकारी फाइल के स्टोर नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से यूजर केवल गूगल पे या फिर पेटीएम जैसे UPI आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग भुगतान के लिए आपको जो है करना होगा। ATM से पैसे निकालने के तरीकों में भी होगा बदलाव। 1 जून से आप अपने स्मार्टफोन के जरिए ATM के पैसे निकाल पाएंगे, यानी कि यूजर्स जो है बिना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के जो है ATM से पैसे निकाल पाएंगे। इसके कार्ड से हो रहे फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड घर में अगर आप भूल जाते हैं तो यूजर्स जो है ATM से कैश निकाल पाएंगे। इसमें मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से ATM से पैसे निकालना बहुत ही आसान हो गया है। आप बगैर डेबिट कार्ड लगाए भी और पिन डाले पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो है आपको इसके लिए बस आपके फ़ोन को साथ में रखना होगा। जैसे कि आप दुकान में या फिर किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो QR कोड का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से जो है ATM से पैसे निकालते समय भी आप जो है QR कोड की मदद से पैसे निकाल सकते हैं, वो भी जो है बहुत ही आसानी से। खास करके अगर हम RBI के इस नियमों में बदलाव को देखें तो पैसे की जिस तरह से ATM क्लोनिंग का मामला सामने आया था, पिन चोरी का मामला सामने आया, इसके बाद से जो है QR कोड की शुरुआत की गई और ATM से पैसे निकालने की बात कही गई है। तो एक तरह से कह लें कि जून के महीने में आपकी जेब पर बड़ा बदलाव पैच एक तरह से कह लें कि जून के महीने में आपकी जेब पर एक बड़ा बोझ आने वाला है, क्योंकि जो जून के महीने में बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है। खास करके अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो यहाँ पे EMI से अगर आपका लोन है तो उसमें जो है लोन की दर बढ़ने की बात कही गई है। एप्पल में बड़ा बदलाव हुआ है और एक तरह से कहें पैसे निकालने और जमा करने कि जो ये पूरी प्रक्रिया है ATM से लेकर खासकर इसमें जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो ऐसे में जून के महीने पर ग्राहकों की नज़र बनी रहने चाहिए। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।